अब हम टेंडम बॉक्स इनर अपर ड्रॉवर को इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले हमने बेस पैनल लिया है, ये दो कैप है। अब इन दो कैप को बेस पैनल पर फिट करेंगे। अब कैप को पैनल में इंसर्ट करें। कैप के होल्स पर ड्रिल कीजिए। स्क्रू से फिट कीजिए। उसी तरह दूसरी कैप फिट कीजिए। ये बेस पैनल की बैक साइड है, इसमें ये रियर कनेक्टर फिट कर दीजिए। अब बैक पैनल को दोनों रियर कनेक्टर के बीच में रख दीजिए। और ड्रिल करके स्क्रू से फिट कीजिए। ये फ्रंट फेशिया क्लिप है, इसे हम स्लाइडर कैप में दोनों साइड से इंसर्ट करेंगे। अब दोनों क्लिप के बीच का डिस्टेंस निकालें, उस मेजरमेंट के अनुसार फ्रंट फेशिया पैनल को कट करें। ये फ्रंट फेशिया पैनल है, ये विड्थ के अनुसार कट किया है। अब हम क्लिप को बाहर निकालें। और फ्रंट फेशिया पैनल में स्क्रू से फिट करेंगे।
और स्लाइडर कैप में इंसर्ट करें। स्लाइडर फिट करने के लिए कैबिनेट में मार्किंग करते समय फ्रंट साइड से 25 mm पर मार्क करेंगे और हाइट कम से कम 80 mm लेनी है, इससे कम हाइट नहीं होनी चाहिए। आगे भी 80 mm पर पैरेलल मार्क करें। अब दोनों पॉइंट पर स्केल रखकर पेंसिल से लाइन खींचे। अब उस लाइन से मैच करके स्लाइडर स्क्रू से फिट कीजिए। उसी तरह दूसरे साइड में स्लाइडर को फिट करें। अब ड्रावर को स्लाइडर में इंसर्ट करें। तो हो गया तैयार टेंडम बॉक्स इनर अपर ड्रॉवर।